दोस्तों, IPL 2024 में कल मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच शानदार मुकाबला खेला गया। किस टीम ने मारी बाजी और कौन पड़ा किस पर भारी, क्या है पूरा मैच का हाईलाइट, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि IPL से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के मैच में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस विराट कोहली की बेंगलोर पर भारी पड़ गई। जी हां, दरअसल IPL 2024 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने अब तक जीत की रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई ने कल अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव। पहले बुमराह ने 5 विकेट लेकर RCB की कमर तोड़ दी, तो इसके बाद ईशान और सूर्या ने ताबड़तोड़ 50 लगाकर जीत दिलाई। दोस्तों, इस सीजन मुंबई की ये 5 मैचों में लगातार दूसरी जीत है। बता दें कि मुंबई ने अपने शुरुआती 3 मैच हारे थे, मगर अब लगातार 2 मैच जीतकर पटरी पर लौट आए हैं। वहीं RCB की ये 6 मैचों में लगातार 5वीं हार थी। दोस्तों, मैच की बात करें तो मुंबई को पहले 197 रनों का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में इस टीम ने 3 विकेट गंवाकर 15.3 ओवरों में ही ये मैच अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं मुंबई के लिए ईशान किशन ने 34 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ 50 लगाकर 19 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने भी 24 गेंदों पर 38 रन बनाए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए और छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। वहीं RCB के लिए कोई भी गेंदबाज कमाल नहीं दिखा सका। मुंबई के सामने बेबस दिखे फिर भी आकाश कुमार और विजय कुमार और विल जैक्स ने एक एक विकेट अपने नाम किया। वहीं RCB के लिए कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 40 गेंदों पर 61 रन बनाए, जबकि रजत पाटीदार ने 26 गेंदों पर शानदार 50 रन जड़े और आखिरी में दिनेश कार्तिक ने भी 23 गेंदों पर 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और मुंबई के लिए बुमराह ने सिर्फ 21 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। जय हिंद।